दिन भर वत्सना मिजाज देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और दिन भर में सबसे पहले हम बात करेंगे आज शाम को जो पुलवामा में अटैक हुआ, जिसमें साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक कॉप इंजर्ड भी हुआ है। उसके हवाले से क्या अभी तक जानकारी सामने आई है, जानेंगे सनम से। जी सनम, सबसे पहले बताइएगा ताजा तफसीलात इस अटैक के हवाले से। देखिए बिल्कुल प्रियंका, ये अटैक जो है शाम के वक्त जो है ये पुलवामा से करीबन, पुलवामा मेन टाउन से करीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है हुआ है। और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस में एक फॉलोवर जो होता है उस पे ये अटैक, उसके घर के बाहर जो है अटैक किया गया है। और उस अटैक में वो पूरी तरह से घायल हुआ है, उसको फौरी तौर पे अस्पताल शिफ्ट किया गया है। और जो हमारे पास खबर पहुंची है कुछ पुलिस सोर्सेज के हवाले से भी और लोकल लेवल पे भी हमने जब बात किया मालूम, तो हमने बताया कि उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। वो इसी इलाके का रहने वाला था और शाम के वक्त उसको घर के बाहर जो है ये गोली मारी गई है। ताहम उसकी जो वाइटल्स हैं वो बच गए हैं और वो इस वक्त खतरे से बाहर है। ये पुलवामा के हवाले से जो है वो खबर निकल के आई है। बिल्कुल, कुछ और जानकारी आई है कहाँ के ये रहने वाले हैं और नाम इनका, इसका आइडेंटिफिकेशन। नाम फयाज अहमद है और ये लोकल ही है और ये इसी गांव का रहने वाला है जहां पे उसको अटैक हुआ है। और जो पुलिस है, सब लोग जहां से जिनसे बात हुई वो अभी सेटिस्फाई है, ऊपर वाले का शुक्र है कि उसकी हालत खतरे से बाहर है, उस पे अटैक किया गया है। लेकिन वो है कि वाइटल्स वगैरह से है वो उससे बच गया है। जी बिल्कुल, तो चलिए अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, जो एक बड़ा मुद्दा अब जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके हवाले से। अभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, उस हवाले से क्या जानकारी? जो बिजली का जो इस वक्त बवाल चल रहा है, पावर क्राइसिस जो चल रही है, ये पिछले 36 घंटे अब हो चुके हैं और 36 घंटों से जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पे इसका बवाल चल रहा है। पूरा अंधेरा है, कश्मीर में तो ज्यादा ही है क्योंकि कश्मीर में इस वक्त ठंड भी चल रही है। अभी अगर हम अपने मोबाइल्स वगैरह को देखें तो टेम्परेचर बाहर का इस वक्त 7 डिग्री है, -7 डिग्री है श्रीनगर में। और फिर कल रात का भी दर्जा रात जो है टेम्परेचर है 9 डिग्री 10 डिग्री के आसपास रहा। ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं 10 से -10 से भी नीचे गिरा रहा। तो ये सिचुएशन जो है इस वक्त टेम्परेचर की है, मौसम की है। और इसमें एक राहत का सांस होता था, लाइट वगैरह होती थी, बिजली चाहे वो ब्रेकअप में ही आती थी, एक एक दो दो घंटे के लिए आती थी लेकिन किसी हद तक होती है। लेकिन अब जो सिचुएशन बनी है, पिछले 36 घंटे हो गए हैं लगभग अब इसको, और इसके बाद यहाँ पे पूरा अंधेरे का राज ही कायम है। और इस सारे को लेके उम्मीद थी क्योंकि दो आज सुबह बातचीत लगभग, पहले हमें मालूम हुआ था कि लगभग 12 बजे इन लोगों की बातचीत होनी है, जो जो हड़ताली एम्प्लॉयज है तो उनकी जो बातचीत 12 बजे होनी थी। तो 12 बजे हमें बताया गया, वहां से मालूम यही हुआ कि उनके साथ बातचीत करने के लिए जो है उनका अपना एमडी है वो बातचीत के लिए आया, तो इन लोगों ने उसे बातचीत करने से मना कर दिया। इन लोगों ने कहा कि उनका यही था कि एमडी जो है वो इसी डिपार्टमेंट का आदमी है, वो कोई सरकार नहीं है, कल चाहे सरकार एमडी को ट्रांसफर कर देती है तो फिर बाद में जिस तरह पास्ट में रहा है कि कई तरह किस तरह के फैसले हुए हैं अपने, उनकी जो टॉप अप से तो उनके साथ हुए हैं लेकिन वो बाद में नहीं हुआ। तो इस वक्त ये मुलाजिम जो है ये चाहते हैं कि बातचीत जो है इनकी वो सरकार को आश्वासन दे और सरकार आश्वासन इन्हें टॉप लेवल पे दे, चाहे वो सेक्रेटरी कमिश्नर सेक्रेटरी पावर है उसके लेवल पे हो, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे हो, या खुद एसडी के ऑफिस से कोई नहीं भरोसा मिले कि ये इनकी जो डिमांड्स है उनपे कितनी जो है बातचीत की जा सकती है या किस किस को चीज को माने। इनकी डिमांड्स में देखा जाए तो एक डिमांड ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो अब जो इनके ग्रिड स्टेशन वगैरह है उनको जो अब प्राइवेटाइज करने का सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है ये उसका विरोध कर रहे हैं। और उसका कारण ये बता रहे हैं, जो एम्प्लॉयज जो ट्रेड यूनियन लीडरान से आज मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि क्यों उनसे इस चीज को लेके इसका विरोध करें, तो उनका पहला यही कहना था, उनका आरोप यही था कि एक तो यह है कि ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी दी, सजेशन दिया जम्मू कश्मीर की राज्य के जो यूपी सरकार को कि इस तरह पे भी आप काम कर सकते हैं, तो फटाफट जम्मू कश्मीर की सरकार ने उसको मान लिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये कहते हैं कि जब देश के किसी भी और हिस्से में ये चीज नहीं है तो फिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों ये जो प्राइवेटाइज करना, ये इस वक्त जो जो ग्रिड स्टेशन इनके हैं एसटीएल जो टॉप के जो इनके जो स्टेशन हैं उनको आउटसोर्स करना, उनको प्राइवेटाइज करना, ये क्यों? और उसमें यही है, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्राइवेटाइज अगर इनको किया जाता है तो इनको क्या आपत्ति है, कोई भी कंपनी आके इनको ले सकती है। तो इन लोगों का मानना है कि सरकार हमें भरोसा दे रही है कि प्राइवेटाइज होने से इनके जॉब्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इनका ये भी आरोप है कि ठीक है आज हमने अपने 2-4 साल 10 साल जिसके जितने सर्विस
सर्विस है वो निकाल दिए, हम नौकरी से हमें पूरा बेनिफिट भी मिला, किसी को रिटायर भी हो गया तो उसको सभी इंसेंटिव मिले। लेकिन इनका ये कहना है कि प्राइवेट कंपनी जो भी आएगी वो फिर यहाँ पे नई जो एम्प्लॉयमेंट है, नई अपॉर्चुनिटीज है, नए जॉब्स वगैरह, ना तो वो एक तो जॉब्स कम करेगी, जॉब से कट करेगी, और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को फिर जॉब नहीं मिलेगा। वो कंपनीज बाहर से ही, दूसरी स्टेट से ही अपने लोगों को वहां से लाएंगे, यहाँ हमारा सर पे रखेंगे, और फिर यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों की जो है जॉब्स वगैरह वो खत्म हो जाएंगे। तो ये मुलाजिम ये एक डिमांड लेके हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर है तो यहाँ के लोगों के लिए जॉब्स होने चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में देने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे कहीं सरकार कर रही है कि जो लोकल ट्रांसमिशन वगैरह है उसको प्राइवेटाइज करना या उसको टेंडर आउट करना, वो उस पर सोच रही है सरकार उस चीज। लेकिन ये ग्रिड स्टेशन जो मेन स्टेशन है उसका इनका आरोप है कि ऐसा फिलहाल वो उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से आश्वासन चाहते हैं कि जब देश की पूरी सभी बाकी स्टेट्स में होगा तो यहाँ पे हो जाए तब दूसरी बात है, लेकिन अचानक जम्मू कश्मीर से ये फैसला लागू करना, यहाँ पे लेबोरेटरी बनाना, इसको तजुर्बा करना, ये वो मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात जो हम उनसे बात की, उनका यही कहना था कि करीब 2019 में उनकी डीपीसी हुई है, ये 2019 से 2021 हो गया लेकिन डीपी हुई है, लेकिन उसका जीईडी को ऑर्डर निकालना था, 2019 से लेकर आज तक जीईडी को ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर जो है वो नहीं निकाला गया। और तीसरी जो डिमांड है इस महकमे की, इनका कहना यही है कि इनके पास जो है वैकेंसी है डिपार्टमेंट में, इनके पास लगभग 14,000 की वैकेंसी है और 14,000 में 6,000 के आसपास ही इनके पास इम्प्लॉयज है, यानी 8,000 की वैकेंसी है। तो ये लोग ये भी कहते हैं कि अगर इन वैकेंसी को फिलअप किया जाता है तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलना चाहिए, मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग उन वैकेंसीज पे जब उसके लिए जॉब्स है, वैकेंसीज है, वहां पे उसके लिए बाजाब्ता फंड एलोकेशन होती है जो इस वैकेंसी खाली वैकेंसीज के लिए बजट बाजाब्ता तौर पर उस पर आता है। तो इनका कहना है कि इस चीज को ये इस बजट को डाइवर्ट करते हैं दूसरे कामों के लिए, जबकि उससे इन्हें रोजगार दिया जा सकता है और इसके रोजगार से एक तो लोगों को जॉब मिलेगा और दूसरा जो पावर सेक्टर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, पावर क्राइसिस जो रहती है वो उसमें कमी आ जाएगी। और तीसरी इनकी डिमांड है कि जो कैजुअल डेली वेजर्स हैं, जो जिन्हें ये पीडीएल या डीपीएल कहते हैं, उनको उनकी परमानेंट के लिए सरकार ने आश्वासन दिया है तो वो है। लेकिन अभी जो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जम्मू में जो इनके जो सरकारी की तरफ से जो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बताया गया कि इनके साथ बातचीत हो रही है, लेकिन मैंने श्रीनगर में जो इनके जो लीडर हैं, जो इनका प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनसे जब बात की तो उनका यही कहना था कि बातचीत अगर हो रही है कहीं पे, लेकिन कहीं फ्रूटफुल बातचीत के नतीजे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त सोर्सेज के हवाले से ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या सुपरिटेंडेंट्स हैं गवर्नमेंट आईटीज के, उनको कहा गया है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के, उनके नेम्स और कॉन्टैक्ट नंबर्स को सबमिट किया जाए ताकि इमीडिएटली उनकी डिप्लॉयमेंट हो सके एसेंशियल सर्विस ड्यूटीज के लिए। और क्या कहेंगे कि स्ट्राइक को देखते हुए क्या इस तरह की खबर जो सोर्सेज के हवाले से सामने आ रही है इसके हवाले से? देखिए, सरकार ने अभी जम्मू में ही, कश्मीर में नहीं, जम्मू में अभी सेना की मदद बुलाई ली है, सेना को बुलाया है कि वो बिजली को रेस्टोर करने में सपोर्ट करे। और साफ जाहिर है ये कश्मीर में नहीं है, कश्मीर में सेना को इस तरह से कोई बुलावा नहीं है, कोई मदद नहीं ली गई है कश्मीर में। अब देखना यह है जिस तरह से अब ये जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स वगैरह हैं इनको लगाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता है अभी फिलहाल कोई ऐसा ऑर्डर जारी हुआ है। हाँ, वर्बली बताया गया कि तैयार हैं, स्टैंड बाय में रहें, और स्टैंड बाय में रहते हुए शायद उनकी अगर अगले 24 घंटों या अगले 10 घंटों के दौरान बिजली रेस्टोर नहीं होती है तो फिर शायद उनकी सर्विसेज, लेकिन उसमें बहुत बड़ी परेशानी यही रहेगी कि जो फील्ड में जो फॉल्ट वगैरह आ जाता है उस फॉल्ट को रेस्टोर करना शायद उन लोगों, क्योंकि इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई में तो ठीक है, कागज पे वो अपनी लकीर लाइन वगैरह इंजीनियर अच्छी तरह खींच सकते हैं, लेकिन जब तक उसके पास प्रैक्टिकल नो हाउ हो, वो ग्राउंड पे नहीं जानता हो कि कौन सी लाइन किस जगह से कहाँ से कनेक्ट होती है और कहाँ से डिस्कनेक्ट होती है, तो वो उन लोगों के लिए ये क्राइसिस बनी रहेगी जब तक सरकार इनके साथ कोई बात करे, कोई विश्वास ना दे। और जिस तरह मैं ट्रेड यूनियन लीडर से बात कर रहा था, वो लिखित में चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि अभी सरकार आके उनकी सारी डिमांड्स, वो लिखित में चाहते हैं सरकार
ऐसा बातचीत करे और लिखित में बताए कि क्या क्या करना है। तो ये जो अभी का जो है ये अभी फैसला नहीं हुआ है, बल्कि बताया गया है इन लोगों को, जो टेक्निकल इंजीनियर्स हैं उनको बताया गया है कि स्टूडेंट्स अपने को तैयार रखें, लेकिन अभी देखना होगा कि वो स्टूडेंट्स भी कितना आगे आते हैं, क्योंकि उनको भी वो ऐसे नहीं इस वक्त जो है उनका पल्ला भारी है, सरकार इस वक्त बैकफुट पे कहीं ना कहीं आ चुकी है, एक पब्लिक प्रेशर बन रहा है, कश्मीर में भी प्रेशर बन रहा है, जम्मू में भी बन चुका है, और कश्मीर में अब दूसरा प्रेशर बन रहा है कि क्यों स्टेट जो है सरकार जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करी है कश्मीर को, जम्मू में जब जरूरत थी तो सेना को फौरन बुलाया गया, कश्मीर में भी सेना को बुला के पावर रेस्टोर की जा सकती थी और कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ। तो अभी प्रेशर सरकार पे बहुत ज्यादा बन रहा है ग्राउंड से, पब्लिक का प्रेशर भी अभी माउंट होना शुरू हो चुका है, अब देखते हैं सरकार इसको किस तरह से लेती है। बिल्कुल, शुक्रिया सनम ज्वाइन करने के लिए। सनम एजाज हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर जो है इसे लेकर सरकार पर बना हुआ है, क्योंकि जम्मू रीजन में तो आर्मी की मदद ली गई है, फिलहाल कश्मीर से इस तरह की खबरें नहीं सामने आ रही हैं, और अब देखने वाली बात होगी कि इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल दिन भर सनम एजाज में इतना ही, देखते रहिए।